Hi guys, welcome or welcome back to my channel, the Fusion YouTuber and Diya Chawla. And today I'm back with the review because I thought मैंने बहुत time से review नहीं किया है, so let's do a review जो कि हमारे skin and hair के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. These products are really good for your skin and hair as well. आपको dryness की problem है, आपको anti-aging products चाहिए but बहुत ज़्यादा महंगे नहीं चाहिए, और वो चाहिए जो वर्क भी करे, राइट. एंड आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी करनी है, आपको अपने हेयर बहुत अच्छे करने हैं, देन दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई हैव दीज टू ऑयल्स विद मी फ्रॉम द ब्रांड टेगर्ड. सो टेगर्ड ब्रांड मैंने क्यों चूज़ किया, फर्स्ट मुझे कुछ अफोर्डेबल में चाहिए था, सेकेंड मुझे कुछ न्यू ट्राई करना था, एंड थर्ड दिस ब्रांड इज़ 100% नेचुरल. सो इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे प्रॉपर 100% नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते. एंड ये स्किन हेयर सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हेल्दी होते हैं, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं है. सो डैट्स वाई आई चूज़ दिस ब्रांड. एंड these bottles are really very affordable. So the first oil I have is this one. This is jojoba oil, that is 100% natural oil. This is a carrier oil, but you need to dilute it in another oil जो ताकि आपके स्किन पे, आपके हेयर पे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके. होहोबा ऑयल इज रियली गुड ऑयल इफ यू हैव ड्राई स्किन और एक्सेसिव ड्राई स्किन, बिकॉज दिस वर्क्स सो ग्रेट. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, अगर आप पे कोई और ऑयल काम नहीं कर रहा, कोई और लोशन काम नहीं कर रहा, गिव दिस ऑयल अ ट्राई. डाइल्यूट दिस ऑयल इन अनदर ऑयल और अनदर लोशन और एनी थिंग, जस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको यूज़ करना है. एंड अप्लाई ऑन योर बॉडी, ऑन योर फेस, ऑन योर हेयर, यू विल गेट really brilliant result. This oil has anti-aging benefits as well. अगर आपको acne है वो भी अच्छे से treat हो जाएगा. आपको कोई skin problem है like psoriasis, eczema and anything, वो उसके लिए भी ये product बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से work करता है. You can use it in multiple ways as well. Now I gonna share my beauty secret of using this jojoba oil in my beauty routine. So the very first step is hair oiling. Hair के लिए मैं इसे कैसे use करती हूँ, I just dilute this oil into almond oil and उसको थोड़ा सा warm कर लेती हूँ, because warm oil ज़्यादा अच्छे से penetrate होते हैं scalp में, pores में, and बहुत अच्छा result देते हैं. So I just warm the oil and apply on scalp and my ends also, because this particular oil is very very nourishing and hydrating. इसको स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लो एंड मसाज कर लो, देन इसको 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो. आप ऐसे 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो, बट नॉट फॉर ओवरनाइट, ठीक है. उसके बाद आप इसको अच्छे से शैम्पू कर लो. आप इसको शैम्पू में भी मिक्स कर सकते हो, डाइल्यूट कर सकते हो, अपने कंडीशनर में भी और अपने मास्क में भी. Now how can you use this jojoba oil onto your skin? You can directly apply this oil and massage for few minutes and then rinse it off. और अगर आपको एंटी एजिंग के लिए यूज़ करना है, इसके कुछ ड्रॉप्स लें, आमंड ऑयल में थोड़ा सा डाइल्यूट करें, एंड बहुत अच्छे से अपने फिंगर्स में, अपने हैंड्स में वॉर्म करने के बाद फेस पे अप्लाई करें इन अ डैबिंग मोशन एंड मसाज इट रियली वेल. दिस ऑयल गोना मॉइस्चराइज योर स्किन सो वेल डैट आपको इसका रिजल्ट पहले यूज से ही दिखने को मिल जाएगा. अनदर बेनिफिट ऑफ दिस ऑयल इज इफ यू वॉन्ट टू रिमूव योर वाटर प्रूफ मेकअप बट यू डोंट वॉन्ट टू यूज कोकोनट ऑयल बिकॉज दैट क्लॉग पोर्स, सो यू कैन यूज दिस ऑयल एज वेल. और ये आपकी स्किन को, आपके पोर्स को या आपकी आईज को नुकसान नहीं पहुँचाता. यू जस्ट नीड टू टेक few drops of this oil, warm it up and remove your makeup. Makeup भी easily remove हो जाता है, कोई residue भी नहीं रहता, and आपके जो pores है वो भी clog नहीं होते. So these are some benefits of this oil. Another oil I have is rose hip oil, and my audience knows that how much I love using rose hip oil in my skin care routine, in my makeup routine as well. Makeup से पहले अगर इसको apply करो, बहुत अच्छा result आता है, hydration बहुत अच्छी रहती है, plus आपका makeup भी काफ़ी long lasting effective लगता है, प्लस उस पर कोई क्रैक्स भी नहीं आते. सो दैट्स वाई आई जस्ट लव यूजिंग रोज हिप ऑयल सो मच. दिस वन इज़ अ प्योर रोज हिप ऑयल, सो इसको आप डाइल्यूट करके भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो ऑन योर स्किन एंड ऑन योर बॉडी एज वेल. अगर आप बॉडी पे यूज़ कर रहे हो तो आप कोई ऑयल में या किसी लोशन में इसको मिक्स करके लगा सकते हो. एक तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, आपको अरोमा इतना अच्छा आता रहेगा, आपका ना जो सेंसेस हैं, नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा
रिलैक्स फील करेंगी, स्ट्रेस फ्री फील करेंगी इसको यूज़ करने के बाद में, एंड आपकी बॉडी भी काफ़ी अच्छे से ग्लो करती है। ऑन स्किन यू कैन यूज़ इट डायरेक्टली, जैसे मैंने पहले बोला है होहोबा ऑयल के लिए, आप इसके कुछ ड्रॉप्स लीजिए, अपने फेस पर डायरेक्टली अप्लाई करें एंड मसाज करें, यू गोना गेट द ग्लो। ठीक है, इस ऑयल को यूज़ करने के बाद में यू विल सी द रिजल्ट योर सेल्फ लाइक फ्यू डेज, लाइक 4 to 5 days आप इसको रेगुलर मसाज करो अपनी स्किन पे एंड आपको वो ग्लो दिखेगा, विजिबल ग्लो होगा, आपकी स्किन भी अच्छे से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, आपको कोई डार्क स्पॉट्स जैसी प्रॉब्लम है ना उसमें भी ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑयल ऑन योर हेयर एज वेल, बिकॉज रोज़ भी हम यूज़ करते हैं अपने हेयर ऑयलिंग रूटीन में, हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है रोज़ यूज़ करने से। सो दिस इज़ द रोज़ हेयर, ये तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए एंड बॉडी पे भी। आप इसको किसी भी बॉडी लोशन में फ्यू ड्रॉप्स डालो और अच्छे से मसाज कर लो, इट कम्स विद ड्रॉपर, सो इसको यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, बिकॉज हमारे हाथ में होता है कंट्रोल कि हमें कितनी ड्रॉप्स चाहिए, हमने कितनी डालनी है या कितनी नहीं करनी है। सो दैट्स वाई आई ऑल्सो लव दिस थिंग। अदरवाइज जो 10 ml की बॉटल्स होती है ना उसमें आपको बहुत रेयर है कि ड्रॉपर मिले, ड्रॉपर फॉर्म मिले, बट इसमें आपको मिलती है तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी। सो द प्राइस ऑफ दीज वंस आर 249 rupees फॉर द 10 ml बॉटल, बट ऑन देयर साइट यू विल गेट इट ऑन फॉर 149 to 200 something। सो आपको अच्छी खासी डिस्काउंट भी मिल जाएगी एंड आई थिंक देयर आर सम कूपन कोड्स ऑल्सो, उसको यूज़ करने से आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगी विच इज़ रियली ग्रेट। ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस ऑयल्स इन एनी सीजन एनी वेदर, ये आपकी स्किन को क्लॉग नहीं करेंगे या आपकी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे जस्ट गोना डू देयर वर्क, जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करना एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसे ठीक करना। सो या डैट वॉज माई रिव्यू फॉर टूडे, आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल and useful. If yes, then please like this video, share it with your friends and family and subscribe to my channel also. The link of the product is mentioned in the description below, so don't forget to check it out.